हेलो दोस्तों, सभी को राम राम, नमस्ते। दोस्तों, अभी तक मैंने शॉर्ट्स वीडियो ही बनाई है। आज पहली बार मैं अपना व्लॉग लेके आ रहा हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा खुशी का कारण कुछ और है। पहली खुशी तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों, ये देखिए मेरी शर्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा लार्ज है, मैं पहले एक्स्ट्रा लार्ज पहनता था। और ये है मेरी जीन्स की पैंट, ये आपको दिख रहा होगा, 34। तो दोस्तों, पहली खुशी तो मेरे लिए यही है। वो खुशी क्यों है? क्योंकि मुझे एक आज बहुत ही बेहतरीन, और मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी नहीं बताऊंगा, एक खुशी में जाना है मुझे, एक खुशी में शरीक होना है मुझे। तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक शर्ट ली है अपने लिए। साइज देखिए आप, मीडियम। और इसी के लिए मैंने एक पैंट भी ली है, इसका भी साइज आप चेक करिए, 32। तो दोस्तों, मैं इतना खुश हूँ 75 हार्ट डे चैलेंज से, क्योंकि मेरा वेट लूज हो गया है, मेरा फैट लूज हो गया है, मेरी बॉडी शेप में आ गई है। और दूसरी जो खुशी है दोस्तों, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, मेरे साथ बने रहिएगा यार, प्लीज जाइएगा मत। मैं बहुत खुश हूँ आज, इसी खुशी के लिए मैं आपको लेके चलूंगा अपने साथ, तो मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। थैंक यू। मेरी खुशी का कारण है गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, सेक्टर 1, पंचकुला, क्योंकि ये मेरा भी कभी कॉलेज हुआ करता था। आज मैं लगभग 15 सालों के बाद यहाँ पे आ पहुँचा हूँ। यहाँ पर है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, और यहाँ के जो चीफ गेस्ट हैं वो एक सांसद हैं, श्री ब्रजेंद्र सिंह, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसके साथ ही यहाँ पर बड़े दिग्गज खिलाड़ी आए हुए थे, जिसमें थी पूजा कादियान, इन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है, थे आमिर सिंह, इन्हें भी अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था, और यहाँ पर हैं थी सारिका सिंह, जो NDTV की एंकर थी, और भी ना जाने कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पे जो हस्तियाँ आई हुई थी। और मुझे वहाँ पर जाने का मौका मिला, मेरे लिए खुशी का सबसे बड़ा कारण यही था। और मैं अपने कॉलेज में 15 सालों के बाद आया हूँ, तो दोस्तों इससे बड़ी बात और क्या होगी। और सबसे मेन बात है कि इतने बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के बीच में मैं एक छोटा सा बंदा, जिसे कि सिर्फ 75 हार्ड डे चैलेंज करने के नाम पर ही पुरस्कृत किया जाएगा, तो मेरे लिए तो ये खुशी का सबसे बड़ा मौका था। और मैं चल दिया अपने पुरस्कार की ओर। ये पुरस्कार लेते दोस्तों मैं इतना खुश था, इतना ज़्यादा खुश था कि शायद इतनी खुशी मुझे कभी भी नहीं हुई थी। शायद डिसिप्लिन को मेंटेन करने का कारण था, या ये कह लीजिए कि जो भी मैंने अभी तक की मेहनत की थी, ये उसका फल था। और मैं इससे इतना खुश था कि मैंने अपना 75 हार्ड डे चैलेंज है वो कंटिन्यू रखने का प्रण लिया है, कि मैं उसे कंटिन्यू रखूँगा, जब तक पॉसिबल हुआ तब तक तो करूँगा ही। और यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सूरज का, जिसने मेरे साथ सुबह या शाम मेरे साथ वर्कआउट किया या मेरी वीडियोस बनाई, ध्रुव का, जिसने मेरी वीडियोस बनाने में बहुत हेल्प की, मेरे साथ वर्कआउट करने में हेल्प की, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया प्रवीण ढांडा भाई का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस पुरस्कार के लायक हूँ। शायद उनको मेरी मेहनत दिखी और उन्होंने इस लायक समझा कि इसे कुछ तो मिलना चाहिए, तो उन्होंने शायद मेरे लिए ये किया। धन्यवाद प्रवीण भाई, धन्यवाद सूरज, और धन्यवाद ध्रुव भाई, दोनों का, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और उसके बाद दोस्तों मैंने खाना खाया और मैं चल दिया अपने घर की तरफ वापसी। और बड़े ही खुश होके मैंने अपने मतलब मम्मी को बताया कि मैं, मुझे ये मिला है, और मेरे मम्मी इतना खुश हुए ये देख के कि मेरे बेटे को कुछ मिला है, उसने इतनी मेहनत की है। वो सुबह 5 बजे उठ के जाया करता है, 6 बजे उठ के जाया करता है इतनी सर्दियों में, और उन सब के कारण ही मुझे ये सब कुछ जो मिला है, मैं बड़ा खुश हूँ। थैंक यू दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। अगर मैं आपको ज़रा सा भी मोटिवेट कर पा रहा हूँ तो प्लीज़ दोस्तों मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं अपने घर की तरफ वापसी के लिए। धन्यवाद दोस्तों।